देखो भाई, आज खाने में यहाँ पे बना हुआ कद्दू का साग हो गया और चावल, पहाड़ी फेमस डिश। पूरा पानी ही पानी हो गया यहाँ पे, देख सकते हो। ये देखो ये नाश्ते में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मक्खन है। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गाँव है। और भैया पहाड़ों में, ऊपर इन पहाड़ों में भैया बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। और आज मैंने सुबह से ही जैकेट डाल दिया, मतलब सुबह से ठंडा लगना स्टार्ट हुआ है भाई। और लगभग लगातार 24 घंटे से ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन बारिश हो ही रही है। मतलब ऐसे नहीं है कि तेज़ वाली हो रही है, लेकिन जो बारीक बारीक बूंदाबांदी होती है ना, वो हो ही जा रही है। तो ऐसा कुछ मौसम हो रखा है भाई आजकल पहाड़ों का, ये देख सकते हो आप। और एक चीज़ है भाई, इस वाले सीज़न ना बारिश काफ़ी देर तक रही है। मतलब पिछली बारिश सितंबर तक, मतलब कुछ बारिश नहीं होती थी, बहुत कम बारिश होती थी, रियर चांस था कि मतलब बारिश होती थी, मतलब ज़्यादातर तो नहीं होती थी। लेकिन इस टाइम देखो, अक्टूबर लग गया यहाँ और अभी भी बारिश हो रही है। अक्टूबर में तो भाई होती ही नहीं थी, और ऊपर बर्फ़बारी तो इतनी जल्दी होती ही नहीं थी कि ना, ऊपर के ट्रैक होते थे। मतलब आपने कभी उत्तराखंड ट्रैकिंग पॉइंट के बारे में सुना होगा, तो ऊपर नंदी कुंड हो गया, पांडवसेरा, उस साइड क्या होता था कि पिछली बार तक अभी तक ट्रैक होते थे, मतलब नॉर्मल ट्रैक हो जाते थे। लेकिन अब देखो बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई, और बर्फ़ में तो भाई ट्रैक करना काफ़ी टफ होता है। और अगर मौसम ऐसा ही रहा ना, अगले महीने ही लास्ट के टाइम पे यहाँ बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी से इतना ठंडा भाई साहब। जो हमने यहाँ छत में ये सोयाबीन डाले थे ना, पूरा पानी ही पानी हो गया यहाँ पे, देख सकते हो। ये देखो पूरा पानी, और इसमें पता क्या होगा, इसमें अब ये ख़राब होने के ज़्यादा डर रहता है, पानी में ना ये सोयाबीन ख़राब हो जाएगी ऐसा लगता है। जैसे ये ऊपर किया तो बची रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नीचे है ना, ये ज़्यादातर ऐसा होगा कि भाई ख़राब होने का डर ज़्यादा है इनमें। तो पहाड़ों में भाई ऐसा भी होता है, कभी कभी आपकी जो फसल है, भले पूरी मेहनत की है और ये बारिश की वजह से, ऐसा नहीं है कि हर बारी अच्छा ही रहता है, कभी कभी भाई फसल भी ख़राब हो जाती है, तो ऐसा कुछ है। और अभी तो भाई यहाँ पे सुखाने के लिए डाली हुई थी, और लगभग दो तीन दिन से तो भाई धूप ही नहीं लगी है, तो उस वजह से देखो ख़राब भी हो सकती है। अब बाई चांस कल परसों अगर धूप लग गई तो तब ठीक है, तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर धूप नहीं भी तो फिर तो ख़राब होना पक्का है, क्योंकि 3-4 दिन लगातार भीगेगी ये दाल, तो वैसे ही ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पानी है यहाँ पर, देखो आप, ये देखो। वैसे आजकल हर दिन पता है क्या हो रहा है, मतलब रात के टाइम ही पे बारिश हो रही है, वैसे दोपहर में भी हो रही है, बट नॉर्मल वाली बारीक वाली, बट रात के टाइम पे तेज़ वाली बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ वाली, और फिर उसकी वजह से भैया ठंड भी लग रही है। ऐसा भी नहीं है कि भाई खाली हम ही ने ये सोयाबीन अपने छत में डाली हुई है, यहाँ पीछे देख सकते हो, बाकी सब लोगों ने आजकल ये घर के जो भटकी दाल होती है ना, सोयाबीन जिसको बोलते हैं, वो सब लोगों ने अपने छत ही में डाल रखी है आजकल। और यहीं ऊपर में देखिए, यहाँ गौशाला के नीचे साइड ना फूल लगा रखे हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हो, ये देखो आप, पूरे यहाँ पर से और यहाँ पर तक पूरे नीचे साइड सारे फूल ही फूल हैं। एक चीज़ है भाई, पहाड़ों में चाहे बारिश ज़्यादा हो, कम हो, बर्फ़बारी हो, कुछ भी हो, अपने काम ज़रूरी हैं, मतलब काम करने ही पड़ते हैं। और गौशाला का काम तो भाई ज़्यादा ही ज़रूरी, अपने साथ पालतू जानवर जितने भी पाले हुए हैं उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है, मतलब घास, उनको टाइम टू टाइम घास देना, उनको जंगल ले जाना, जंगल से वापस घर लेके आना, तो वो काम मतलब ऐसा हो गया है कि वो अब पहाड़ियों के ना रूटीन में हो गया है। मतलब हमारे इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक रूटीन बन जाता है कि गाय को जंगल ले जाना है, जंगल से वापस लाना है, तो ये काम भाई ज़रूरी है, चाहे बारिश हो, बर्फ़बारी हो, कुछ भी हो, ये काम होते ही होते हैं। और लोग ना अब ये सब काम करने के हैबिचुअल हो गए हैं, उनको पता है कि भाई हमें ये काम करना ही करना है, तो उनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता और उसमें मज़ा भी आता है गांव के लोगों को। और मैंने अभी ना सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है, मैं थोड़ा बहुत वीडियो बनाने ही चले गया था, बाकी अब नाश्ता करते हैं भाई। तो भैया अभी नाश्ते में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मक्खन है और यहाँ पे है कद्दू की सब्ज़ी, और इस खूबसूरत मौसम के साथ भैया एक बारी खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। और आज देखो भाई, हमारे घर में आई है किट्टू,
हेलो। तो अभी भाई नाश्ता भी हो गया है और आज बहुत दिन बाद वीडियो में दिखे होंगे आपको। सुमित हो गया, सोनू, साधना और चाची जी की छोटी लड़की है, वो है किट्टू। तो अभी मैं घर के लगभग यहाँ राइट साइड आया था और यहाँ से सामने का व्यू चेक करो आप, कुछ ऐसा हो रखा है, बहुत ही शानदार वाला। भले बारिश हो रही है लेकिन व्यू इतना प्यारा आ रहा है ना। सुबह के बाद भैया अब जाके लगभग थोड़ा बहुत मौसम खुला है और पीछे पूरे बादल लगे हुए हैं और अभी बादल इतने स्पीड से जा रहे हैं ना ऊपर, टाइम लैप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी स्पीड से मूव कर रहे हैं यहाँ पे बादल, पीछे देखो आप। तो ऐसा कुछ है, बाकी मैं अभी थोड़ा बहुत अपने घर के इस साइड आया था और यहाँ से आपको ना आगे का व्यू दिखाते हैं कि कैसा है। ये पीछे देखो आप, यहाँ पर हैं हमारे अखरोट के पेड़, चाचे लोगों के, वैसे निकाल कोई भी सकता है। ये देखो आप पीछे, यहाँ पर अखरोट के पेड़ और इन्हीं अखरोट के पेड़ों पर यहाँ पर ना ये घास लगाई हुई है और यहीं से मुझे यहाँ पर जाना है आगे पे, और बस इसमें फिसलन नहीं होनी चाहिए और सब चलता है। आओ भाई डर। और जैसे ही यहाँ पर पहुँचा वैसे ही सामने देखो आप पूरे बादल। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं हो, तो इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन पर है, तो आप चाहे तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा अपडेट देता रहता हूँ, वहाँ मैं रील्स अपलोड करते रहता हूँ, पहाड़ों की रील्स वहाँ बहुत अपलोड करता रहता हूँ मैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे ना मिनी व्लॉग वहाँ अपलोड करूँ, तो देखते हैं कुछ टाइम मैं सोच रहा हूँ मैं वैसे। तो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाओ और फॉलो करो इंस्टाग्राम। तो ये देखो भाई अभी दोपहर का कुछ ऐसा मौसम हो गया, ये देखो पूरे बादल लगे हुए हैं, बस यहाँ पे ये कुछ अखरोट के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर है और इस वाले अखरोट पे तो भाई अब पत्तियाँ ही बहुत कम बची हुई हैं, ये देखो कुछ कुछ बची हुई हैं, बाकी पूरा सूख गया है। तो अब जाके भाई थोड़ा बहुत मौसम खुला है और आपने टाइम लैप तो देखा ही होगा, तो ऐसा कुछ है भाई अभी का मौसम हो रखा है और ऐसा लग रहा है ना कि क्या पता 3-4 बजे के टाइम पे धूप लग जाए। और आगे थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं थोड़ा बहुत, और घर से माँ की आवाज़ भी आ गई है कि खाना खाने आ जा। बाकी अब घर चलते हैं और खाना खाते हैं भैया। छोटी बहन भी आ गई है, वो गई थी गाय के साथ जंगल में, तो वो गाय लेकर के भी घर आ गई है। तो अब खाना खुना खाते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया भाई, आज तो काफ़ी देर में हो रहा है खाना हमारा, लगभग 1:30 बज गई है और अब जाके हमारा खाना होगा। और इस साइड से देखो भाई मौसम लगभग खुल गया है, सारे पहाड़ अब क्लियर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं। जो मैंने वो ऊपर वाली वीडियो बनाई थी ना अपने ऊपर वाले घर की, और वो पुराना वाला घर बताया था, मतलब दिखाया था आप लोगों को, तो बहुत से लोग बोले थे कि कभी उसके अंदर भी दिखाना कि मतलब अंदर कैसा है, उस घर के अंदर कैसा रहता था पुराने टाइम पे। तो ज़रूर अब इसके बाद एक दिन अगर ऊपर चले गया ना मैं, तो तब आपको दिखाऊँगा मैं वो घर कि कैसा रहता है पहाड़ों में, वैसे घर कैसे होते हैं, तो उसको ज़रूर दिखाऊँगा। लेकिन अब पता नहीं कब जाता हूँ मैं ऊपर, अभी मैं ऊपर जाऊँगा तो वो वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो अभी भाई खाना बन के भी रेडी है, तो ये देखो यहाँ पर है अपनी छोटी बहन और अभी आई है ये गाय के साथ से। और ये देखो भाई आज खाने में यहाँ पे बना हुआ कद्दू का साग हो गया और चावल, पहाड़ी फेमस डिश। तो अभी एक बारी खाने के मज़े लेते हैं, और जैसे ही थोड़ा बहुत घाम की जमा के स्टार्ट हुई ना, तो वैसे ही गर्म होना स्टार्ट हो गया, सुबह के टाइम पर जैकेट की ज़रूरत पड़ गई थी, अब खाना खाते हैं चलो। तो अभी भाई खाना भी कम्प्लीट हो गया है और ओ भाई यहाँ पर इतनी सारी मधुमक्खी इस टाइम बाहर आ गई ना, जैसे धूप आई है थोड़ा बहुत तो सारी मधुमक्खी यहाँ पर बाहर आ रही हैं और डर लग रहा है यहाँ पर कहीं किसी ने अगर डंक मार दिया ना यहाँ पर, तो इतना बड़ा रहता है। और अभी देखो धूप लग गई है भाई, बड़ी मुश्किल, लगभग 48 घंटे के बाद हमारे यहाँ गाँव में मान सकते हो आपकी धूप अब जाके लगी है, परसों रात से और कल पूरा दिन भर और कल रात और आज सुबह अब जाके थोड़ा बहुत धूप लगी है। वेलकम बैक। क्या है ब्रो? बहुत बढ़िया यार, बढ़िया। और ये देखो यहाँ पे, इसे कहते हैं मेहनत। तो कुछ दिन से आपको अक्की भाई भी नहीं दिख रहे होंगे व्लॉग में, गाइस फाइनली क्या हाल चाल? बढ़िया। और अभी भाई हम बर्थडे बॉय के घर पे पहुंच गए, बाकी थोड़ी देर में केक कटिंग करते हैं हम लोग। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। लाओ लाओ गिफ्ट लेके आओ, गिफ्ट फटाफट, मुझे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट गिफ्ट क्या? गिफ्ट क्या ला रखा तूने? हम आ गए, हम आ गए यहां पे इधर। गिफ्ट गिफ्ट क्या ला? गिफ्ट गिफ्ट छोड़, तू केक भी लाया।
birthday to you. Happy birthday dear cool party. अभी भाई हम गिफ्ट तो लाए नहीं, लेकिन हम चौमिन मोमो लाए हैं। हाँ थैंक यू भाई के लिए। भाई के लिए क्या खाएगा तो सबसे ज्यादा मेरे लिए भी लाए। हाँ हाँ ये देखो किसके लिए है। मेरे लिए लाए तो सिर्फ मैं ही खाऊंगा भाई। ये मोमो खा। 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 खा।